न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगर अपन बात करें बाकी दोनों पावर प्लांट के साथ थोड़ा इसका कंपैरिजन करके, तो जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं उसको सपोर्ट के अंदर थर्मल पावर प्लांट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि बेस लोड के लिए यानी कि 24 आवर्स कंटिन्यूस जनरेशन कर सके। तो हाइड्रो को तो एक बैकबोन की ज़रूरत है जो कि थर्मल बनता है, और थर्मल पावर प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो फ्यूल के रूप में कोल यूज़ होता है। और आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि 200 मेगावाट के छोटे से थर्मल पावर प्लांट के अंदर 2000 टन कोयला पर डे जो है वो कंज्यूम हो जाता है। तो फिर जो नई टेक्निक्स हैं उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी हो गया, ताकि हम जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं हमारे उन्हें प्रिजर्व कर सकें, और इसीलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट को जो है वो लाया गया। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर हम न्यूक्लियर फ्यूल का यूज़ करते हैं, जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान बहुत ही ह्यूज अमाउंट में जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बहुत ही छोटा सा अमाउंट चाहिए फ्यूल का, और उस छोटे से अमाउंट में ह्यूज एनर्जी जनरेट हो जाती है। तो बाकी पावर प्लांट के कंपैरिजन के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये एडवांटेज है कोल और हाइड्रो के कंपैरिजन के अंदर, कि इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड ऑफ ऑल अगर इसके एडवांटेज को डिस्कस करें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड, and the second one is transportation cost is low। चूंकि फ्यूल बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए तो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाता है, और इसके साथ साथ एक 200 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट, इन दोनों को कंपेयर करें तो थर्मल पावर प्लांट को तकरीबन 200 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत होती है, जबकि न्यूक्लियर पावर प्लांट केवल 80 एकड़ ज़मीन में आपका पूरा का पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाता है। तो इस वजह से आपको ये आइडिया होना चाहिए कि थर्मल पावर प्लांट जो है वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ एरिया जो है वो कवर करता है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट कम कवर करके एरिया और वो काम कर सकता है। तो इस तरीके से ये कुछ जनरल एडवांटेजेस हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के हैं बाकी पावर प्लांट के कंपैरिजन के अंदर। आप इसे एज ए इंट्रोडक्टिव जो है वो अप्रोच के अंदर राइट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। न्यूक्लियर पावर प्लांट का कुछ इंट्रोडक्टिव आपको पार्ट राइट करना है, तो आप इस तरीके का पोर्शन जो है वो एलाबरेट कर सकते हैं उसके साथ के अंदर। अब इस चैप्टर के अंदर जो हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की, इसके अंदर फर्दर कौन कौन से हेडिंग्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि आज की क्लास के अगर इंडेक्स की मैं बात करूं, तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो कि हम अभी डिस्कस कर इंट्रोडक्शन के डिस्कस के बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फीसन रिएक्शंस के बारे में, कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है। तो पहले हम ये जानेंगे कि रिएक्शन किस प्रकार से होती है, फिर उसके बाद हम थर्ड नंबर पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का फ्लो डायग्राम, जिसके अंदर कंप्लीट जितने भी तरीके के कॉम्पोनेंट्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम फोर पॉइंट के ऊपर जो है फ्लो डायग्राम के बाद में इसके जो मेन कॉम्पोनेंट्स हैं उनकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे उसकी थ्योरी को हम पाँच चार नंबर पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर मेन कंपोनेंट को डिस्कस करने के बाद में हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि जो फेसाइल और फर्टाइल मटेरियल कौन कौन से हैं, ये क्या चीज़ है। जब मैं ये थ्योरी पढ़ाऊँगा तब आप लोगों को समझ में आएगा कि फीसाइल और फर्टाइल मटेरियल्स जो हैं उसके बारे में थ्योरी जो है वो क्या है, या किस तरीके से इनको डिफरेंशिएट करते हैं, किस मटेरियल को फीसाइल मटेरियल कहते हैं और किस को फर्टाइल मटेरियल कहते हैं। उसके बाद में अपन सबसे लास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स यानी किस किस तरीके के रिएक्टर्स। यही जो छः सेक्शन है यहाँ से आपको मोस्टली एग्ज़ाम के अंदर
क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। मैं साइड में हट जाता हूँ। इस इंट्रोडक्टिव सेक्शन, जो इंट्रोडक्टिव सेशन है ये वाला जो अभी अपन ने डिस्कस किया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद में आपको ये आइडिया रह जाएगा कि आज के इस सेशन के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। दैट इज़ इंट्रोडक्शन, न्यूक्लियर फीसन एंड फ्यूजन रिएक्शन, फ्लो डायग्राम ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, फिसाइल एंड फर्टाइल मटेरियल्स एंड टाइप ऑफ रिएक्टर्स। क्लियर? सो विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड सेशन। सॉरी, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पॉइंट, द सेकेंड टॉपिक, एंड दैट इज इंट्रोडक्शन हो गया। सेकेंड बात करने वाले हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और फीसन रिएक्शन के बारे में। हिंदी में इसे नाभिकीय विखंडन और सलयन अभिक्रिया भी कहते हैं। और उसके बाद अपन फ्लो डायग्राम डिस्कस करेंगे। मैंने फ्लो डायग्राम को पहले अटैच कर दिया आपको समझाने के पर्पज से। तो इस फ्लो डायग्राम को अपन जो है वो एक बार ये डिस्कस कर लें कि आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस किस किस तरीके से होती है, उसके बाद अपन इस कंप्लीट फ्लो डायग्राम को जो है वो डिस्कस करेंगे। इस कंप्लीट फ्लो डायग्राम को डिस्कस करने के बाद में फिर हम इसके जो वर्किंग कंपोनेंट्स हैं उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो इसको फिलहाल आप जो हैं वो ड्रॉप करें। बात करें हम सबसे पहले हेडिंग नंबर 2 की, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये है हेडिंग नंबर 2 आपका, रेड पेन से ज़्यादा विजिबल होगा, लेट्स टेक ब्लैक मार्क। न्यूक्लियर फ्यूजन और फीसन रिएक्शन को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कंप्लीट पावर प्लांट जो है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो अगर अपन बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, तो हम यहाँ पर भी इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं इस जगह कि इस पावर प्लांट के अंदर आपकी न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। नाभिकीय जो ऊर्जा है उसे विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ये भी आप इंट्रोडक्शन के अंदर एक पॉइंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। बात करें अपन सबसे पहले एनर्जी मास रिलेशनशिप की, जो कि इस पूरे के पूरे पावर प्लांट का सबसे मेन, सबसे मुख्य जो आधार है वो यही है। इसको समझ लेते हैं। आइंस्टीन ने एक थ्योरी जो है वो डेवलप करी थी जिसका नाम था एनर्जी मास रिलेशनशिप। अब ये क्लियर होगा आपको, एनर्जी मास रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप क्या कहती है? आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शोज दैट मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल। इफ मास इज डिस्ट्रॉयड, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड मास कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। अब ये जो है वो थ्योरी का मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि अगर कुछ अमाउंट के अंदर मास जो है उसे डिस्ट्रॉय किया जाए तो वो एनर्जी इक्विवेलेंट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, और किसी एनर्जी को जो है यूज़ करके किसी मास के अंदर भी जो है वो फॉर्म किया जा सकता है। और इस इक्वेशन के द्वारा उन्होंने जो है ये चीज़ शो करी थी जिसका वैल्यू है E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, जहाँ E जो है वो एनर्जी है जूल के अंदर, m मास है किलोग्राम के अंदर, और c है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ पे जो है पावर 8 जो है वो मिस हो गया, इसको 8 मैं मेंशन कर देता हूँ, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ मास। हम जो यहाँ पर हमारे पावर प्लांट के अंदर यूज करने वाले एनर्जी, उसमें हम क्या करेंगे कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल के मास को डिस्ट्रक्ट करेंगे, और उसे डिस्ट्रक्ट करने से ह्यूज अमाउंट में एनर्जी जो है वो हमें मिलेगी। उस एनर्जी को हम यूज करने वाले हैं हमारे पावर के जनरेशन के लिए। तो न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ मास। इफ 1 ग्राम ऑफ मैटर इज डिस्ट्रॉयड, द एनर्जी प्रोड्यूस इज 9×10⁻³ जूल्स, और इट इज इक्विवेलेंट टू 25,000 मेगावाट आवर्स। यानी कि अगर अपन यूनिट की बात करें
लाइट की यूनिट की बात करें तो KWH होती है, एक यूनिट बिजली जो होती है वो 1 KWH, एक यूनिट बिजली होती है 1 KWH, यहाँ प्रोड्यूस कितनी हो रही है 25,000 MWH। तो इसको आप 25,000 के बाद में 30 और इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ 2.5 करोड़ यूनिट पैदा होती है सिर्फ और सिर्फ 1 किलोग्राम यूरेनियम या 1 किलोग्राम मास को डिप्लीट करने से, एक मास को डिस्ट्रक्ट करने से। तो ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिलीज होती है किससे, डिस्ट्रक्शन ऑफ मास से। ये किसके बराबर है, 9 × 10^13 जूल या फिर 25,000 मेगावाट आवर्स के बराबर। नेक्स्ट पॉइंट है, इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग एनर्जी इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूक्लियर एनर्जी जो है या न्यूक्लियर इंजीनियरिंग है, इसके अंदर जो ये एनर्जी है इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं, हम मेगावाट आवर या जूल में नहीं कहते। तो यहाँ पर नीचे यूनिट भी मैंने मेंशन करी है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻¹⁹ वॉट सेकेंड और जूल, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट हो गई। तो अगर अपन बात करें न्यूक्लियर रिएक्शन की, ये तो आइंस्टीन की थ्योरी हो गई। अब इस थ्योरी के ऊपर हमने जो है वो 2 तरीके की रिएक्शन डिजाइन करी है। सबसे पहला है न्यूक्लियर फीसन और फिर है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फीसन का मतलब तोड़ना, फ्यूजन का मतलब मिक्स करना। तो पहले हम देखते हैं कि तोड़ने से कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, फिर अपन ये देखेंगे कि जोड़ने से कितना एनर्जी जो है वो रिलीज हो रहा है। तो बात करें अपन यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन की, तो सबसे पहले आप एक काम करें, छोटा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये यहाँ पर मैं एक बार क्लियरली आपको इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, एनर्जी मास रिलेशनशिप का। यहाँ से यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद अपन आगे बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस की। क्लियर, चलिए दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस, सबसे पहली रिएक्शन आती है फीसन रिएक्शन। फीसन का मतलब है ब्रेक करना। इस डायग्राम में यहाँ पर मैंने अटैच किया, इसमें आप देख सकते हैं कि एक एटम किसी दूसरे एटम से कोलाइड होकर के और जब उसके साथ जुड़ता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है और उसके बाद में वो बाकी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो यानी कि हम यहाँ पर बेसिकली क्या करने वाले हैं, द प्रोसेस ऑफ फीसन इज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग फिगर। ये नीचे फिगर में फीसन की प्रोसेस को डिपिक्ट किया गया है। द कंपाउंड न्यूक्लियस इज फर्स्ट फॉर्म्ड, ये कंपाउंड न्यूक्लियस है जो सबसे पहले फॉर्म होता है, विच स्प्लिट्स इंटू 2 फीसन प्रोडक्ट, जो कि 2 फीसन के प्रोडक्ट में स्प्लिट हो जाता है अलॉन्ग विद सम न्यूट्रॉन, कुछ न्यूट्रॉन के साथ में, एंड रिलीजेज एनर्जी, और उसके साथ में काफी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर अपन बात करें कि ये कौन है, तो ये है भैया आपका न्यूट्रॉन। ये कौन है, तो ये है आपका यूरेनियम 92U235। जब ये इसके साथ मिक्स होता है तो यहाँ पर ये बनाता है आपकी कौन सी स्टेट, यहाँ लिखा है कंपाउंड न्यूक्लियस। तो ये आपका क्या हो गया, कंपाउंड न्यूक्लियस बना। इसको कंपाउंड न्यूक्लियस को अनस्टेबिलिटी की वजह से आगे 2 पार्ट में इसको ब्रेक होना पड़ता है, और ये जो पार्ट ब्रेक हुए या नीचे मेंशन है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली ये दिख जाए। ये है आपका बेरिलियम 56 144 और ये है आपका नीचे की तरफ क्रिप्टॉन 3689, और इसके साथ में न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, 1 न्यूट्रॉन 2 न्यूट्रॉन और 3 न्यूट्रॉन, प्लस एनर्जी जो रिलीज होती है वो है 177 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो बेसिकली आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपको ये कहा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय आइंस्टीन रिलेटिविटी थ्योरी एंड एक्सप्लेन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फीसन रिएक्शन। मान लो ये 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो आपको क्या करना है, आइंस्टीन थ्योरी जो अभी ऊपर एक्सप्लेन करी उसके पॉइंट्स लिख करके फीसन के अंदर क्या लिखना है कि भैया इस फिगर के द्वारा हम फीसन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें हमें क्या करना है कि एक न्यूट्रॉन जब यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड किया जाता है तो एक जो है वो कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है, ये जो है वो आगे फर्दर 2 पार्ट में टूट जाता है, बेरिलियम और क्रिप्टॉन में।
प्लस 3 न्यूट्रॉन और बनाता है और ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है। ये न्यूट्रॉन क्या करते हैं, आगे जा कर के और जो यूरेनियम है उनसे कोलाइड करते हैं, उनको ब्रेक करते हैं और ये एक चेन रिएक्शन बन जाती है। कंटिन्यूअस जो है वो यूरेनियम ब्रेक होता जाता है और एनर्जी रिलीज होती रहती है। इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये बॉम्ब के रूप में भी जो है वो बन सकता है, जो कि जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर यूज़ किया गया था। तो अगर इसे कंट्रोल्ड वे में यूज़ करें तो पावर का जनरेशन हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड वे में यूज़ करें तो आप इसे बॉम्ब के रूप में भी जो है वो देखते हैं, जो कि आपने लाइव एग्जांपल आपने कहीं पर यूट्यूब पे वीडियो की फॉर्म में देखा होगा, जो नागासाकी और हिरोशिमा पे कितनी भयंकर तबाही हुई थी उसके अंदर। बात करें अपन नेक्स्ट अगली स्लाइड के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की। फ्यूजन के बारे में पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बारे में। चलिए सेकेंड वन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन का मतलब फ्यूज होना। तो देखो, न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच मल्टीपल न्यूक्ली जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियस। मतलब कि मल्टीपल न्यूक्ली जॉइन होकर के क्या बनाते हैं, एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं जॉइन होकर के, एंड इट इज अकॉम्पेंड बाय द रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन द मासेस ऑफ द न्यूक्ली इन्वॉल्व। मतलब इस प्रोसेस से ह्यूज अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है और रिलीज भी हो सकती है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इस प्रोसेस में कौन कौन से न्यूक्ली इन्वॉल्व हुए हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं उनके मास के ऊपर डिपेंड करता है कि ये रिएक्शन एनर्जी को रिलीज करेगा या फिर उसे एब्जॉर्ब करेगा। यहां एग्जांपल अपन ने लिया है ड्यूटीरियम और टाइट्रियम। ड्यूटीरियम और टाइट्रियम जो है ये दोनों हाइड्रोजन जो है उसके समस्थानिक हैं। ये दोनों जब मिक्स होंगे, जिनका फ्यूजन होगा, ये जब दोनों फ्यूज होंगे तो इसके बाय प्रोडक्ट क्या हैं, हीलियम बनेगा और न्यूट्रॉन रिलीज होगा और इसके साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी जो रिलीज हुई है ये इस फ्यूजन की वजह से हुई है। अब यहाँ जो ये फ्यूजन हुआ है इन दोनों ड्यूटीरियम और टाइट्रियम का, इससे प्रोडक्ट बने, इससे जो एनर्जी बनी है, इस एनर्जी को आप किस तरीके से यूज करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। यहाँ पर अपन बात करें कंक्लूजन के तौर पे, कंक्लूजन करें अगर दोनों रिएक्शन को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा और एनलार्ज कर देता हूँ। ड्यूट्रियम और टाइट्रियम दोनों एड ऑन होंगे, उससे इस तरीके से इक्वेशन कंप्लीट होगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दो दो लाइन लिख करके आप एक डायग्राम के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू इन एग्जामिनेशन। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूसिव सेक्शन। कंक्लूजन की बात करते हैं। न्यूक्लियर फीसन और न्यूक्लियर फ्यूजन। फीसन अगर आपको क्या कहते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कंपैरिजन का, तो आप इस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। फीसन के अंदर क्या हुआ, एक न्यूट्रॉन, ये लिखा है यहां पर न्यूट्रॉन, जो टारगेटेड न्यूक्लियस, ये इसने इस न्यूक्लियस को टारगेट किया है, इससे जब कोलाइड होगा तब देखो 1, 2 और 3 न्यूट्रॉन बन गए और ये बने आपके फीसन के प्रोडक्ट। तो ये यूरेनियम हो सकता है, ये बेरिलियम और क्रिप्टॉन हो सकता है, कोई भी तरीके का मटेरियल यहाँ पर बन सकता है। बाय प्रोडक्ट जरूरी नहीं है एक ही, ये रिएक्शन होती है और भी बहुत सी रिएक्शन होती है। तो जो न्यूट्रॉन टकराएगा किससे, टारगेट न्यूक्लियस से, ये लिखा है टारगेट न्यूक्लियस से टकरा करके क्या बनाएगा, ये फीसन प्रोडक्ट बनाएगा। ये फीसन प्रोडक्ट बन गए और उसके साथ में क्या रिलीज करेगा, न्यूट्रॉन। 3 न्यूट्रॉन रिलीज किए। तो यहां लिखा है ए लार्ज न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू सेवरल स्मॉल न्यूक्ली
व्हेन इंपैक्टेड बाय ए न्यूट्रॉन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। सेकंड अगर बात करें न्यूक्लियर फ्यूजन की तो यहां लिखा है, ये देखो, ये रहा ट्राइटियम और ड्यूटेरियम, अभी थोड़ी देर पहले जिसका एग्जांपल लिया, दोनों मिले, फ्यूजन हुआ, हीलियम बना और न्यूट्रॉन बना। यह है हीलियम, यह है आपका न्यूट्रॉन, यह है ड्यूटेरियम और यह है ट्रिटियम। दोनों मिले, हीलियम और न्यूट्रॉन बनाया और इसके साथ साथ काफी रिलीज हुई एनर्जी। ये प्रोसीजर सूरज पे होती है। सूरज जो है वहां हर वक्त हीलियम क्रिएट हो रही होती है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतने लाख करोड़ अमाउंट के अंदर हीलियम जो है वहां पर लिब्रेट होती है, उसके साथ साथ जो एनर्जी रिलीज होती है, आप अच्छे से इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि पूरी की पूरी जो हमारी गैलेक्सी है वो केवल एक ही एनर्जी सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है और वो है सन से आने वाली रेडिएशंस, और वो सूरज के ऊपर बनने वाली एनर्जी कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो बिल्कुल भी नहीं रुकती, और वही प्रोसेस यहाँ पर लिखी हुई है न्यूक्लियर फ्यूजन में। अब आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि क्या उस रिएक्शन को हम यहाँ पर पृथ्वी पर होल्ड करा सकते हैं? नहीं, अब तक कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं बनी है किसी भी कंट्री के पास पूरे वर्ल्ड में। इवन दो न्यूक्लियर फ्यूजन की जो टेक्निक है वो बहुत कम कंट्रीज के पास अवेलेबल है, इसीलिए पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर रिएक्टर काफ़ी कम अमाउंट के अंदर है। न्यूक्लियर फ्यूजन की टेक्निक अभी किसी भी कंट्री के पास नहीं है, इसलिए इसका कोई भी रिएक्टर अवेलेबल नहीं है। MIT इंस्टीट्यूट का टारगेट है 2030 2030 तक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर उन्हें बनाना है, ये उन्होंने टारगेट लेके रखा हुआ है। लेट्स सी आने वाले 7-8-10 सालों के अंदर इस पर क्या डेवलपमेंट होती है और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बन पाता है या नहीं। अगर बन गया तो पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी एनर्जी की फिर कमी नहीं रहेगी, और अगर नहीं बना तो जो भी कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं वो धीरे धीरे पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे और हमें पूरी तरीके से डिपेंड होना पड़ेगा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की तरफ, जिनके बारे में हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये छोटे छोटे आइकन्स हैं, आपको शायद दिखे ना, इसलिए जो लिखा हुआ है उसी की फॉर्म में आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर अपन बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के फ्लो डायग्राम के बारे में कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के। इफ यू रियली लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, कमेंट ऑन आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।